मोहनलालगंज लोकसभा सीट से उम्मीदवार है कौशल किशोर भारतीय जनता पार्टी से, आरके चौधरी सपा से, और राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान जो है कि बीएसपी से हैं। तो आपको मोहनलालगंज का क्या लग रहा है, क्या किधर जा रहा है चुनाव? नहीं, अभी चूंकि हम लोकसभा की जो सीट है हमारी भी, चूंकि हमारी जो जहाँ मैं रहता हूँ वो भी मोहनलालगंज में ही आता है, वो क्षेत्र अच्छा आशियाना का, तो अच्छा वहाँ पे मैं पोलिंग बूथ पे गया था, तो मुझे पता नहीं क्यों वो उत्साह नहीं दिख रहा, वो भीड़ नहीं दिख रही है अनुज जी। जो भीड़ हाँ चुनाव में दिखती थी, जो लोगों में उत्साह दिखता था, वो उत्साह, वो भीड़ वहां पे दिख नहीं रही है। मैं 10 बजे के आस, 9:30 के आसपास गया था, तो वो जो जिसको कहते हैं ना, जो करंट है, वो करंट वहाँ वोटिंग बूथ पे दिख नहीं रहा है। मतलब एकदम सामान्य जैसे लग रहा है कि 5 बजे के 6 बजे के बाद जो चुनाव होता है खत्म पे लगता है, वो स्थिति सारे बूथों पे। अगर लखनऊ में ऐसी स्थिति है, जहाँ से हाँ देश के रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, भाजपा के मतलब पूर्व अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, इतना बड़ा जिनका प्रोफाइल हो, अगर उस शहरी मतदाता, मुझे लगता पता नहीं क्यों उदासीन इतना दिख रहा है, जबकि ग्रामीणों में वो उदासीनता नहीं दिख रही जो शहरियों में दिख रही है। शहरी मतदाता मुझे लगता है ज्यादा उदासीन है अपेक्षा, अगर आप तुलना करें ग्रामीण मतदाताओं की, तो ये उदासीनता पता नहीं क्यों जाति की वजह से लग रहा है, कि जाति समीकरणों की तरफ, या प्रत्याशियों से नाखुशी है, या हो सकता है कि जो लोकल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को लग रहे हैं, जो उनके अपने आम मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं। तो जो वोटर है वो बूथ पर पहुंच क्यों नहीं पा रहा है, ये मुझे लगता है ये सारे जो शहरी मतदाता हैं उनके लिए चिंता का विषय है, कि उनको निकल हाँ कर बूथ पर जाना चाहिए अगर वो वहां नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये मुझे लगता है शहरी मतदाता अगर नहीं पहुंचेगा तो बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा हाँ रिएक्शंस जो है वो अच्छे नहीं हाँ आएंगे अगर नेगेटिव है, शहरी मतदाता। नेगेटिव है। हाँ, मुझे मेरा ऐसा मानना है कि पॉजिटिव अगर हाँ उस स्ट्रेंथ में वहां पे वोटर नहीं पहुंचेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ये पीसीआर अगली सीट लगाइए, अगली सीट कौन सी है, हम एक एक सीट पर बातचीत जरूर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किधर। लखनऊ देखिए, लखनऊ तो राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा और सरवर अली। राजनाथ सिंह क्या यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे भाई। राहुल मैं गांधी किसी के लिए एक लोग कह चैनल रहे पे हैं। बैठा था आपके पहले अनुज जी, तो वहां तो 22% दिखा रहे थे, तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित था कि 22% लखनऊ का, बाईस अगर परसेंट हाँ 22%, मैं तो बड़ा, मुझे तो बड़ा अनसेटिस्फैक्ट्री लगा कि अगर ये राजनाथ सिंह के प्रति इस तरह का शहरी मतदाताओं का ये रुझान है, तो ये रुझान मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। ये कहीं ना कहीं इंडिकेट, अब वो 4 जून को क्लियर होगा कि क्या होता है इसमें, लेकिन 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 शहरी मतदाता, राजनाथ सिंह की सीट निकलना आसान है, यहां से कोई दिक्कत नहीं है लखनऊ में, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां पर कुछ दिक्कत आएगी राजनाथ नहीं सिंह के लिए। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं जा रही इनके इनके प्रति, तो मुझे भी वो नहीं लग रहा है, लेकिन जो शहरी मतदाता का मैं कह रहा हूँ ना, जो उदासीनता है हाँ, नहीं वो निकल रहा अभी है। लखनऊ हाँ में हर बार वो देखा जाता है वोटिंग थोड़ी कम रहती है, लोग थोड़ा कम निकलते हैं, हाँ, अब जो तो कि अब सैटरडे संडे प्रदेश और की मंडे मंडे राजधानी को, है। हाँ सैटरडे संडे और मंडे, और हाँ कुछ लोग तो निकल भी जाते हैं बाहर कि चलिए 3 दिन हाँ की छुट्टी वीकेंड हो को, गई और मतलब वोट 3 दिन नहीं की देते छुट्टी हैं। मिल गई लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि 5 साल बाद आप ये शिकायत करें कि इस पार्टी ने ये नहीं किया, जिस दिन आपको वोट करना है वो आप वोट छोड़ के समर बिल्कुल वेकेशन करने, तो मुझे लगता है वो अब वो मार्जिन हो सकता है जो कहा जा रहा था ना 19 के चुनाव में, वो मार्जिन मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में वो मार्जिन आपको कहीं ना कहीं बहुत कम दिखाई पड़ेगी अनुज जी। जो बड़े बड़े मार्जिन आपको दिखते थे, उस मार्जिन में इस बार आपको अंतर स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेगा। कोई भी सीट हो, कहीं की भी सीट कोई हो, भी सीट, जो अगली बहुत सीट बड़ी लगाते हैं मार्जिन संदीप कही जी। जाती थी। जी बिल्कुल, अगली सीट लगाते हैं रायबरेली। देखिए ये भी जैसे राजनाथ सिंह के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वैसे राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये तो क्लियर है, बस मार्जिन देखना है कि कितने से जीत हार का अंतर होगा। दिनेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय हाँ, जनता पार्टी से। तो यहाँ भी वही मामला है ना, कि जो पीडीए का वोट बैंक है और जो बीएसपी का वोट बैंक है, आकाश आनंद की बर्खास्तगी के बाद जो अंडर करेंट बीएसपी के कैंडिडेट या जो उनके वोटर में था, मुझे लगता है उसके बाद वो जो डाउन हुआ 12-13% की कहा जा रहा था वो डाउन है, और वो अगर शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ, वो वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ चला जाता है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज देगा, वो फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि तो संविधान वाला मसला जो है, वो राहुल गांधी जिस भी जनसभा में जा रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी वो लेके जा रहे हैं, हाँ, एक और लेके जा रहे वो हैं। हाँ हर 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 लोकसभा चुनाव में जिस भी रैली में जा रहे हैं, वो अपनी बात करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी जो है
वो दिखाते हैं, वो संविधान की कॉपी लेकर वो कहते हैं कि ये खतरे में है। तो अगर दलित मतदाता यहाँ पे महत्वपूर्ण है, रायबरेली में भी अगर वो शिफ्ट होता है, क्योंकि दिनेश प्रताप पिछली बार भी चुनाव हार गए थे सोनिया गांधी से जी, तो मुझे लगता है, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वहां जमी जटी डटी रही सीटों पर, नो डाउट, बहुत मेहनत की है, जबकि जबकि एक एक जगह मैंने देखा, मैं उचाहार मैंने किसी से बात की तो जिस दिन प्रियंका गांधी शायद गई थी उचाहार में उनको वो भीड़ नहीं मिली। अच्छा, मनोज पांडे जहां से विधायक, उचाहार चौराहे पे शायद वो भीड़ प्रियंका गांधी को नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से अदिति सिंह का अभी फिलहाल वो उसमें कितनी सत्ता है क्या सही है वो मैं नहीं जानता, लेकिन नहीं है, खबरें आ रही है कि थोड़ी नाराजगी दूरी बना रखी थी उन्होंने चुनाव से, मंच पर लाया वो भी टिकट मांग रही थी, हाँ वो भी शायद टिकट की डिमांड कर रही थी, तो वो है। और गौरीगंज के जो विधायक हैं अभय प्रताप सिंह, वो भी एक महत्वपूर्ण, राकेश पांडे है ही है, तो ऐसे बहुत सी सीटें हैं जहाँ पे आप कुछ भी अभी फिलहाल कह पाना, लोग यही कह रहे हैं कि ये सीट एक तरीके से क्लियर है कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी, लेकिन इतना आसान लगाते हैं। अगली सीट लगाते हैं, अगली सीट कौन सी है पीसीआर? अमेठी, देखिए स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी, और पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके थे, अखिलेश यादव ने तो कह दिया कि सिलेंडर वाली सांसद के यहाँ से हम लोग आ रहे हैं, जब रायबरेली पहुंचे अमेठी गए थे उससे पहले, तो पुरानी बातें याद दिलाई, चीनी के कुछ बात याद दिला रहे थे, 13 रुपए किलो वाली। हाँ तो ये क्या यहाँ पर केएल शर्मा कितना तगड़ा चुनाव लड़ रहे हैं भाई साहब, जरा समझाइए। नहीं, अब अभी जो फिलहाल जो फीड मिल रही है, जो डिस्कशंस में जो बातें निकल के आ रही हैं, अब वो कितना, लोग कह तो रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर जो है यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा इस चुनाव में, तो केएल शर्मा जो है घर घर जाके लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। और चूंकि जिस तरीके से ठाकुरों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, वो भी यहाँ अमेठी में मुझे लगता है 2 लाख के आसपास 1.5 लाख के आसपास हैं वोटर अमेठी लोकसभा क्षेत्र, तो अगर वो सारे मिल जाते हैं, दलितों का वोट बैंक और मुस्लिमों का वोट बैंक, मैं यही कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है और बीएसपी के वोट बैंक में अगर कांग्रेस सेंधमारी कर ले जाती है तो यहाँ पे आपको एक टफ मुकाबला देखने को मिल सकता है ब्राह्मण अगर सिफ्ट होता है। केएल शर्मा यहाँ पर लेते दिखाई दे रहे हैं। अगली सीट लगाइए, अगली सीट कौन सी जरा देखें, वो भी हम बात करेंगे जल्दी से, हर एक सीट का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं। झांसी आ गए हैं प्रदीप जैन आदित्य, जो कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, अनुराग शर्मा भारतीय जनता पार्टी से है, राकेश कुशवाहा बीएसपी से है, झांसी का समीकरण क्या कहता है आपकी नजरों में संदीप जी? अब देखिए पिछले 14 और 19 के लोकसभा चुनाव में अगर इनकी सीट की कहा जाए तो चूंकि अनुराग शर्मा पिछली बार भी जीत के ही आए थे वहां से, तो इस हिसाब से प्रदीप जैन जो हैं वो जिस तरीके से कांग्रेस वहां प्रचार कर रही है, जिस तरीके से लगी हुई और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद, तो मुझे लगता है, मैं सारी सीटों पर वही कह रहा हूँ कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, वो कोर वोट बैंक अगर बीएसपी को वोट नहीं करता और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तो झांसी पे भी मामला जो है, क्योंकि बुंदेलखंड में बीजेपी बहुत मजबूत मानी जाती है, उनका मैकेनिज्म जो है, उनका बूथ मैनेजमेंट जो है बहुत मजबूत कहा जाता है समाजवादी पार्टी के जुड़ने के बाद, और बीएसपी का वोट बैंक अगर कांग्रेस की तरफ जाता है तो झांसी में भी आपको फाइट दिखेगी। अब जीत हार तो वो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, अब कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे ये 4 जून को हमको आपको दिख जाएगा। ठीक है, अगली सीट पे आते हैं, अगली सीट कौन सी है जल्दी से लगाइए, अगली सीट का भी विश्लेषण करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जालौन आ गई है, जालौन लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ भानु प्रताप सिंह, नारायण दत्त दास अहिरवार समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेश चंद गौतम जो हैं वो बीएसपी से हैं, जालौन में क्या कहता है आपका समीकरण? भानु प्रताप सिंह भी रिपीटेड है, मुझे लगता है पिछली बार भी यही जीते थे, ठीक है अनुज जी, तो लेकिन वही पीडीए और बीएसपी वोट बैंक अगर अहिरवार जी को मिलता है तो जी नहीं है जी, थोड़ा संपर्क टूट गया है, हाँ आ गए, हाँ तो वो समीकरण अगर होता है तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि मार्जिन जो है वो इस बार आपको यहाँ पे, चूंकि लोकसभा बुंदेलखंड, चूंकि राम मंदिर का इफेक्ट इस रीजन में, आपको बुंदेलखंड के रीजन में मुझे लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव होगा, और जो योजनाएं बीजेपी ने चलाई थी, जो काम वहां पे किए गए हैं, तो
मुझे लगता है वो थोड़ा सा एज बीजेपी को वहां पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भानु प्रताप सिंह अगर पीडी और बीएसपी, हाँ भानु प्रताप सिंह को अगर बीएसपी का वोट शिफ्ट होता और पीडीए के साथ एसपी के साथ जाता है अहिरवार साहब के साथ, और कांग्रेस का वोट भी चूंकि झांसी में पहले कांग्रेस के ही लोकसभा प्रत्याशी हुआ करते थे, जीतती भी थी कांग्रेस, लेकिन उसके बाद जो है एक बड़ा गैप आ गया है, तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद मुझे लगता है कि वहां पे भी मुकाबला रोचक तो नहीं कह सकते लेकिन दिखाई देगा। हाँ दिखाई देगा, एज मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी अगली सीट लगाइए जल्दी से अनुज, अगली सीट लगाइए पीसीआर की, अगली सीट कौन सी है उस पर भी देखिए। ये आ गए पुष्पेंद्र चंदेल बीजेपी से, अजेंद्र सिंह राजपूत समाजवादी पार्टी से, और निर्दोष दीक्षित बीएसपी से। हमीरपुर की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, हमीरपुर का क्या कहता है समीकरण? बिल्कुल, बीजेपी ने ज्यादातर सबको रिपीट ही किया है, ये हमने देखा है। जो लोकल कैंडिडेट है उनके खिलाफ है, लोकल मुद्दों के खिलाफ है, लेकिन वही मामला आ जा रहा है कि विकल्प जो है प्रधानमंत्री के पद पे कौन बनेगा अगर नरेंद्र मोदी हटते हैं तो। वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब शायद इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ कुछ हद तक हमको आपको मिलता हुआ दिखाई दे, लेकिन अभी जो जो इमेज मीडिया के द्वारा रची बसी गई है नरेंद्र मोदी की, उस हाईटेक इमेज के अनुसार तो फिलहाल पुष्पेंद्र चंदेल बढ़त की तरफ बढ़े हुए हैं, लेकिन वही बीएसपी का जो हमीरपुर भी, चूंकि वहां पे भी जाटो वोट या जो दलित वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर उसमें से हमारी कांग्रेस, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अनुज जी की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर 8-10% वोट शिफ्ट होता है कांग्रेस की तरफ तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। बांदा लोकसभा सीट पे देखिए पटेल प्रत्याशी दोनों लोगों ने उतारे हैं, सपा और बीजेपी ने, और द्विवेदी ब्राह्मण प्रत्याशी हाँ, तो क्या लग रहा है बांदा सीट पे? अब आरके सिंह भी रिपीटेड ही है, हाँ अनुज जी जी ठीक है, बांदा में दलितों का वोट बैंक भी एक बार फिर वही है, महत्वपूर्ण है, और पीडीए का जो गठबंधन है तो बांदा में मुझे लगता है कि शायद आरके सिंह पटेल को कुछ चुनौती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी इस बार, इतना आसान चुनाव नहीं होगा बांदा का भी, मेरा अपना असेसमेंट है कि 50-50 मान के चले कि 50-50% यहाँ पर जो है और तगड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी बांदा में। ठीक है, अगली सीट लगाइए, अगली सीट कौन सी है? फतेहपुर आ गई है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, निरंजन ज्योति बीजेपी और नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष देखे रहे हैं, और मनीष सचान बीएसपी से हैं। नरेश उत्तम पटेल साख दांव पर लगी है, देखिए प्रदेश अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी के, और यहाँ पर ये सीट अगर फंसती है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको संदीप जी? मुझे लगता है कि नरेंद्र पटेल उत्तम जो है वो चुनाव अच्छा लड़ेंगे यहाँ पे, और पीडीए क्योंकि वोट बैंक वहां पे महत्वपूर्ण है, ओबीसी वोट बैंक निरंजन ज्योति के वजह से और इनके नरेंद्र पटेल की वजह से, पटेल वर्ग और जो अन्य यादव के अलावा बात करें जो ओबीसी वोट बैंक है वो महत्वपूर्ण है, शेड्यूल कास्ट का भी वोट बैंक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो अगर बीएसपी के जो मनीष सचान है उनका रुझान मुझे नहीं लग रहा है कि उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन नरेंद्र पटेल जो कि जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो इनका एक ग्लो कहा जाता है ना कि स्टेट लेवल पे फैक्टर है, बहुत महत्वपूर्ण पटेल बिरादरी से आते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी निरंजन ज्योति के लिए आसान नहीं होगा चुनाव, इतना आसान नहीं होगा, फंसी हुई सीट, ये सीट फंसी हुई है, नरेश उत्तम पटेल यहाँ पर अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, आप ऐसा करें अगली सीट लगाइए जल्दी से, 14 लोकसभा सीटें हैं और जल्दी जल्दी हम एक एक सीट, कौशाम्बी आ गई है, कौशाम्बी में देखिए पुष्पेंद्र, कौशाम्बी में अब देखिए राजा भैया के कहने के बाद प्रयागराज, कौशाम्बी और प्रतापगढ़, इन तीनों सीटों पर मामला जो है वो फंसा हुआ दिखाई देगा, अगर राजा भैया क्योंकि वो बड़े नेता है क्षत्रियों के, ठाकुरों के बड़े नेता कहे जाते हैं और उन विधानसभाओं में उनका प्रभाव भी माना जाता है, तो अगर चूंकि ये इंद्रजीत सरोज के बेटे भी हैं, वो भी पुराने समाजवादी और पुराने बसपा रह चुके हैं, हाँ तो उस क्षेत्र में उनकी भी पकड़ है, तो यहाँ भी इतना आसान मुकाबला नहीं होगा जितना आसान बीजेपी या उसका गठबंधन समझ रहा है, तो पुष्पेंद्र सरोज को एजमिलता दिखाई दे रहा है इनके, हाँ इनकी सीट पे भी मामला फंसा हुआ था एकदम अंत में जाके इनका टिकट, हाँ 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 बिल्कुल ठीक बात है, और राजा भैया का यहाँ पर सपोर्ट मिलना ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली सीट की बात करते हैं, अगली सीट बाराबंकी है, देखिए तनुज पुनिया पीएल पुनिया के बेटे है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, राजरानी रावत, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही बात कर रहे थे तनुज पुनिया जो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, राजरानी नहीं है क्योंकि इनको रावत को बदल के इनको
मेल की जगह फीमेल कैंडिडेट किया गया है इस बार बीजेपी ने यहाँ पे चेंज किया है, ठीक है। तो इस बार क्योंकि तनुज पुनिया पीएल पुनिया के बेटे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि शायद पीएल पुनिया, अरे तनुज पुनिया को थोड़ा सा एज मिलेगा, जो कि जाति समीकरणों की अगर आप बात करें तो यहाँ पे जाति समीकरणों के अनुसार जिस बिरादरी से तनुज आते हैं उस बिरादरी का वोट बैंक वहाँ इम्पोर्टेंट है। अच्छा। और अगर उसको वो साध लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ भी मामला आपको चुनौतीपूर्ण दिखाई दे, फंसती हुई दिखाई दे रही है। अगली सीट लगाइए अनुज जल्दी से, कौन सी सीट है अगली? अयोध्या फैजाबाद की सीट आ गई है, देखिए, जहां पर समाजवादी पार्टी तो दावा ठोक रही है कि अवधेश प्रसाद जो है यहां पर चुनाव निकाल देंगे। आप देखिएगा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के अंदर। मेरा अपना मानना है कि राम मंदिर का मामला जो है यहां पे थोड़ा भारी पड़ेगा। अच्छा, लल्लू सिंह यहां पर पार्टी के प्रवक्ता है, हाँ तो वो कहेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हो सकता है जो जाति समीकरण हो उसके आधार पर फखरुल कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन राम मंदिर तो शक्ति जो वो है ही है। और चूंकि सच्चिदानंद पांडे बीएसपी से हैं तो बीएसपी की वोट बैंक में कितना समाजवादी पार्टी सेंधमारी कर पाती है, कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो कितना लोगों को कन्विंस कर पाते हैं, ये फैक्टर यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगेगा। लेकिन मुझे लल्लू सिंह पता नहीं क्यों जीतते हुए दिख रहे हैं फैजाबाद। ठीक ठीक है, अगली सीट बढ़ते हैं। अगली सीट देखिए कौन सी है, कैसरगंज बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। करण भूषण सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, राम भगत मिश्रा और नरेंद्र पांडे दोनों तरफ से ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए हैं। अच्छी रणनीति बनाई है इंडिया गठबंधन ने या फिर नहीं, या फिर बीएसपी ने अच्छी रणनीति बनाई है या नहीं, क्या कहेगा कैसरगंज का विश्लेषण सर आपका? अब देखिए, 2009 में शायद बीएसपी से या समाजवादी पार्टी से ब्रजभूषण लड़े थे कैसरगंज, जी जी, तो वो वहां से भी जीत के आए थे। तो क्योंकि उनका कहा जाता है कि प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो जाति समीकरण है वहां पे दलितों को और जो यादव है या जो गैर यादव समीकरण है उस वोट बैंक में कुछ नाराजगी लग रही है। अब वो नाराजगी वोट बैंक में कितना तब्दील हो पाती है, तो कैसरगंज में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए लोग कह रहे हैं कि आसान चुनाव है, लेकिन जाति समीकरण की बात की जाए तो उतना आसान दिखाई नहीं पड़ा जितना आसान समझा जा रहा। मोटे तौर पर कहा जाए तो एज मिल रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को, करण भूषण सिंह को, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और दबदबा रहा है इनका, यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव है, तो उस प्रभाव का असर कैसरगंज की सीट पर दिखता हुआ दिखाई देगा। और बात सही है, लेकिन अब ये दोनों तरफ ब्राह्मण वो प्रत्याशी उतारे गए हैं सपा और बीएसपी की तरफ से, और वो है ना जो आरोप लगा वो आरोप महिला वोटर बैंक पे कितना इम्पैक्ट डालता है, आधी आबादी पे वो कितना इम्पैक्ट करता है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे कल्टिवेट होते हैं, क्या उनका टर्न आउट इतना तेज निकलता है, तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके जिसके लिए मैं मेरा अपना मानना है कि हो सकता है आसान इनके लिए लगता हो, लेकिन उतना आसान क्योंकि महिलाओं का बड़ा मुद्दा है अनुज, ये छोटा मुद्दा, हम इसको छोटा मुद्दा नहीं कह सकते, जबकि वो लगातार ये वो कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि वो ज्यादा वोट से जीतेंगे। गोंडा में अभी मैं वोट डाल के वो निकले तो मीडिया लोग के लोग उनसे बात कर रहे थे ब्रजभूषण से, तो कह रहे थे कि मुद्दा मेरे लिए ज्यादा पॉजिटिव होगा और मैं ज्यादा वोटों से जीतूंगा। एक आखिरी सीट बची है, देखिए बहुत अच्छा चुनाव वहां पर भी चल रहा है, वो है गोंडा की सीट, और श्रेया वर्मा जो कि पोती हैं बेनी प्रसाद वर्मा की, और अभी कुछ दिन पहले आखिरी दिन जब चुनाव का प्रचार का आखिरी दिन था तो वहां पर डिंपल यादव रोड शो करने पहुंची थी, 8 किलोमीटर का बहुत लंबा रोड शो किया और बहुत देर तक उन्होंने भाषण दिया। तो श्रेया वर्मा का पूरा चुनाव देखिए, वहां पर सपोर्ट करने के लिए डिंपल यादव पहुंचे। कीर्ति वर्धन सिंह भारतीय जनता पार्टी से, सौरभ जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, श्रेया वर्मा कितना तगड़ा चुनाव लड़ रही है। कीर्ति वर्धन के खिलाफ इनकमेंसी है गोंडा में। अच्छा, हाँ, मेरा अपना ऐसा स्टडी है कि लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उतना खुश नहीं है, और शेय वर्मा चूंकि बड़ी बड़ी इनके इनके बाबा जो है बड़े नेता रहे हैं उस पूरे क्षेत्र के, अगर क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए तो वहाँ पे जो पटेल या जो वर्मा वोट बैंक है जिनको ओबीसी वोट बैंक कहा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण वोट बैंक गोंडा में भी है। तो शेय वर्मा चूंकि अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं अच्छी जगह से एजुकेशन अच्छी जगह से पढ़ लिख कर आई हैं, तो मुझे लगता है ये इम्पैक्ट यहाँ पे भी कीर्ति वर्धन सिंह के लिए इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझ रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन वही फिर बात आ जा रही है कि प्रधानमंत्री के पद पे चुनाव लड़ा जा रहा है तो मोदी के नाम पर वोट मिलेगा या लोकल कैंडिडेट के नाम पर वोट शिफ्ट होगा,
तो ये एक फ्रैक्चर जो है वो इस पूरे पांचवें फेज में भी आपको दिखाई देगा, क्योंकि मोदी लगातार ये कह रहे हैं कि आपका वोट मुझे मजबूत करेगा, किसी पार्टी कैंडिडेट को वो कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि मजबूत करेगा, उनका वोट जो है वो मोदी को सीधे कह रहे हैं कि आपका वोट मुझे मजबूत करेगा और मैं देश को मजबूत करूंगा। तो एंटी इनकम्बेंसी लोकल कैंडिडेट तो हो सकती है, लेकिन वो वोट में कितना इफेक्ट होती है ये, क्योंकि मतदान अभी शहरी क्षेत्रों में उतना जबरदस्त नहीं हुआ है, तो गोंडा में भी मुझे लग रहा है कि परसेंटेज आपके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। तो अब 6 बजे तक क्या आता है रिजल्ट, हाँ क्या रिजल्ट आता है ये दिखाएगा। कम वोट बैंक क्या बीजेपी को जिताता है या हराता है, ये 4 जून को एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। वोटिंग बम्पर वोटिंग देखिए अलग अलग थ्योरी निकल कर आई है संदीप जी, जो मैंने समझा है कि कम वोटिंग होती है तो कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कई जगह कई चुनाव में नुकसान भी होता देखने को मिला है, जब बम्पर वोटिंग होती है तो बीजेपी का वोटर कहते हैं घर से निकलता है, और कई लोग कहते हैं कि जब बम्पर वोटिंग होती है तो भाई यहाँ पर विपक्ष को फायदा होता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा इस पे कंफ्यूज हूँ कि कम वोटिंग होती है फिर ज्यादा वोटिंग होती है तो इसमें किसकी जीत किसकी हार। देखिए लोगों की अपनी अपनी थ्योरी है, हालांकि राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं, आप लोग अपने अपने तरीके से विश्लेषण करते हैं उसका पूरा सम्मान है, लेकिन कई बार ये चीजें हम लोगों को हमने बदलते हुए देखी है, जब रिजल्ट आता है तो आकलन कुछ और लगाया जा रहा होता है और निकलता कुछ और है। 3 राज्यों के चुनाव हमने देखे थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, लोगों ने तो सर्वे में छत्तीसगढ़ को एक तरफा जिता दिया था कांग्रेस पर, वहां पर क्या हुआ, मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि भाई कांग्रेस आ रही है, राजस्थान फंसा हुआ है और हुआ क्या हम सबके सामने है। तो विश्लेषण कई बार हमारे ऊपर नीचे होते भी हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो हम कह ही रहे हैं और क्या। और मैं कह रहा हूँ ना कि विपक्ष ये 6 महीने पहले अगर ये रणनीति बना देता तो चुनाव और रोचक होता। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, ये घालमेल जो हुआ ना, तो वो ट्यूनिंग जो अब अखिलेश और अखिलेश उनकी राहुल की दिख रही है, 6 महीने पहले अगर ये दिखनी लोगों को करंट पता चल जाता, मुझे लगता है कि और रोचक मुकाबला होता। अनबीटन तो नहीं कहा जाता किसी भी नेता को कि नहीं वो कभी हारेगा ही नहीं, कभी सत्ता बदलेगी, ऐसा तो असंभव है लोकतंत्र में कहना।